किस्मत दगा दे गई और भारत की अंडर 16 महिला फुटबॉल टीम सैफ अंडर 16 विमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में बढ़त बनाने के बावजूद मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में हार गई। इस मैच में क्या कुछ हुआ आज आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इस टूर्नामेंट में जो भारत के लिए सबसे ज्यादा गोल किया है वो झारखंड की खिलाड़ी ने किया है, जो कि हजारीबाग की हैं, वो कौन है उनके बारे में भी आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। सैफ अंडर 16 विमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल बांग्लादेश और भारत के बीच ललितपुर नेपाल में खेला गया और इस फाइनल मुकाबले में मुकाबला रोचक हुआ। ज्यादातर समय भारतीय टीम ही हावी रही और ये खेल की शुरुआत से देखने को मिला। ये चौथा ही मिनट था जब भारत ने अपने लिए पहला गोल वहां पर किया है और वहां पर बोनिफिलिया सुल्लाई जो है एक पास देती है हाफ लाइन के पास अनुष्का कुमारी को, जो कि झारखंड की हैं, हजारीबाग की हैं, और गेंद उन्हें जैसे ही मिलती है वो एक आप कहते हैं ना इलेक्ट्रिफाइंग रन, विद्युतीय गति से वो दौड़ लगाती हैं, कमाल की वो दौड़ थी, और वो गोल पोस्ट के पास नेपाल के पहुंचकर गेंद को जाल के अंदर डालती हैं राइट कॉर्नर में और भारतीय टीम 1-0 से आगे हो जाती है चौथे ही मिनट में। और इसके बाद जो है भारतीय टीम ने कई मूव बनाए लेकिन वो गोल में तब्दील नहीं हो सके। फिर भी अगर हम पहले हाफ की बात करें तो भारतीय टीम का दबदबा रहा, बॉल पोजीशन भी उनके पास ज्यादा रहा और जो बांग्लादेश ने कुछ एक मूव बनाए उसे इंडियन डिफेंडर्स ने बेकार कर दिया। जब मध्यांतर हुआ तो स्कोर था भारत 1-0। मध्यांतर के बाद भी बहुत देर तक जो है स्कोर लाइन यही रहा लेकिन 70वें मिनट में बांग्लादेश को एक कॉर्नर मिलता है और इसी पर जो है वो गोल आता है, इक्वलाइजर होता है यहां पर और ये गोल जो है ये बांग्लादेश की तरफ से मरियम विंते करती हैं और मुकाबला 1-1 की बराबरी पर आ जाता है। खेल आगे बढ़ता रहता है, जब कोच को लगता है कि अब मुकाबला पेनल्टी शूटआउट की तरफ जा रहा है तो वो गोलकीपर में बदलाव करते हैं और मुन्नी की जगह पर सूरज मुन्नी को जो है वो मैदान पर लेकर आते हैं। सूरज मुन्नी जो कि झारखंड की हैं, उन्होंने भारतीय टीम के लिए गोलकीपिंग की और जब मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में जाता है तो सूरज मुनी ने जो है वो पहला बचाव भी शानदार किया और वो भी किस पे किया, जो टूर्नामेंट की बेस्ट खिलाड़ी हैं सौरवी, उनके शॉट को बेकार किया और इस तरह से पेनल्टी शूटआउट में श्वेता रानी भारत के लिए पहला गोल कर देती हैं। तो यहां पर भी अग्रता जो है वो भारतीय टीम को ही मिलती है लेकिन इसके बाद आप देखें तो बांग्लादेश की तरफ से 3 गोल हो जाते हैं और भारत की तरफ से श्वेता रानी भारत के लिए पहला गोल कर देती हैं। के अलावा अनविता रघुरमन ही गोल कर पाती हैं और पेनल्टी शूटआउट में भारतीय टीम 2-3 गोलों से हार जाती है और इस तरह से बांग्लादेश की टीम जो है वो चैंपियन बनती है अंडर 16 विमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप की। अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो इस टूर्नामेंट में जो है 7 मैच खेले गए जिसमें 34 गोल हुए, इसका मतलब 4.86 गोल प्रति मैच का जो है औसत आता है इस टूर्नामेंट में। भले ही भारतीय टीम जो है अंडर 16 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप नहीं जीत सकी महिलाओं की, लेकिन जो ये टीम थी उसने ये जरूर दिखाया है कि भविष्य इनका है। खास करके अनुष्का कुमारी को आप देखें, कमाल का प्रदर्शन उन्होंने इस मुकाबले में किया है। दिव्यानी लिंडा ने अच्छा खेल दिखाया है कुछ एक अवसरों पर, सूरज मुनि की गोलकीपिंग अच्छी थी, एलिजाबेथ लकड़ा वो रेगुलर प्लेइंग 11 में रही, उनका खेल जो है वो बेहतरीन था, नीरा चानू ने कमाल का प्रदर्शन किया और बोनिफिलिया सुल्लाई का प्रदर्शन अच्छा रहा, कप्तान श्वेता रानी ने जो है वो कमाल का प्रदर्शन किया, पर्ल फर्नांडिस की आप बात कर लीजिए। तो
भारत की तरफ से कई युवा खिलाड़ी हैं इस अंडर 16 टीम की, जो आगे जाकर भारतीय सीनियर टीम का भी प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। अभी आपके लिए सूचना यह है कि सैफ अंडर 16 विमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को 3-2 से पराजित कर खिताब जीत लिया है। और जहां तक इस टूर्नामेंट की बात है, उसमें भारत के लिए सबसे ज्यादा जो है गोल झारखंड की अनुष्का कुमारी ने किया है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।